अर्थमेटिक मीन स्टेटिस्टिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन के मिसलेनियस क्वेश्चन की श्रृंखला में ये मैं चौथा एग्जांपल समझा रही हूँ, जिसमें भी आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी निकालते समय ध्यान रखना है कि लैंग्वेज हमें किस तरह से दे रखी है, उसको हम किस तरह से अरेंज करके अपनी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें अर्थमेटिक मीन सॉल्व करना है। यहाँ जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है इसमें सूचना दे रखी है, मैं एक कारखाने में श्रमिकों की मजदूरी दे रखी है, वेजेस, कुल कितने घंटे उन्होंने काम किया ये दे रखा है, और ऑन एन एवरेज एक श्रमिक ने कितने घंटे काम दिया इसकी संख्या है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमें कर्मचारियों की संख्या नहीं दे रखी है, हमें उन श्रमिकों ने कितने घंटे टोटल काम किया है और एक श्रमिक ने कितने घंटे काम किया इसकी सूचना दे रखी है। प्रति श्रमिक औसत मजदूरी तथा बहुलक मजदूरी ज्ञात करनी है, तो प्रति श्रमिक औसत मजदूरी यानी मजदूरी यहाँ पर हमारे लिए एक्स हो जाएगा और श्रमिक यहाँ पर लिए हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो जब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा चूँकि औसत मजदूरी निकालनी तो एक्स तो हमारे यहाँ पे क्लासेस ही हो जाएंगी जो हमको दे रखी है यहाँ पर 82, 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200। फ्रीक्वेंसी इसमें निकालने के लिए दो चीज़ दे रखी है हमको, एक है कि कितने घंटे उन्होंने काम किए हैं और एक वर्कर ने कितने घंटे काम किया है। तो इसमें जैसे पिछले एग्जांपल में जो समझाया था मैंने वीडियो में, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, मतलब वहाँ पर था हमारे कितने कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में कितने बच्चे हैं, तो हमने गुणा करके फ्रीक्वेंसी निकाली थी। पर यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमें संख्या वर्कर्स की नहीं है, यहाँ पे घंटों की संख्या है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो यहाँ पे टोटल जो आवर्स वर्क किया है अपने, टोटल जो हमने घंटे काम किया है वो है हमारा 108 और यहाँ पर एवरेज आवर्स पर वर्कर जो है यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो डिवाइड करके निकल जाएगी, यानी टोटल 108 घंटे काम किया गया है, एक वर्कर ने 9 घंटे काम किया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे कितने वर्कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12। ऐसे ही सेकंड में देखें तो यहाँ पे 120 घंटे काम किया गया है, हर वर्कर ने यहाँ पे ऑन एवरेज 8 घंटे काम किया है, तो यहाँ पर 120 में डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15। थर्ड में हमने 170 घंटे काम हुआ है ऑन एन एवरेज, एक वर्कर ने यहाँ पर 8.5 घंटे काम किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 170/8.5, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 वर्कर्स ने यहाँ पे काम किया, ये अपने निकल जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ऐसे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में हमारा है यहाँ पर 195 घंटे काम हुआ है ऑन एन एवरेज, एक वर्कर ने 75 घंटे काम किया है, 7.5 घंटे काम किया, तो 195/7.5 कर देंगे, 195/7.5 ये आ जाएंगे हमारे 26 वर्कर। इसमें हमारे 119 घंटे काम हुआ है और 7 वर्कर ने काम किया है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 119/7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 वर्कर। लास्ट में 60 घंटे काम हुआ है, एक वर्कर ने 6 घंटे काम किया, तो 60/6 ये आ जाएगा हमारा 10। तो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12, 15, 20, 26, 17 और 10। तो ये जो क्लासेस हैं ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों से फिर हमको जो भी निकालना है, जैसे अभी तो मैंने आपको वीडियोज़ में सिर्फ एक्स बार ही समझाया है, तो अभी तो आपको सिर्फ एक्स बार की प्रैक्टिस ही करनी है, बाद में जब आप मोड सीख लेंगे, क्वार्टर सीख लेंगे, तब आपको बाकी सब चीज़ भी इसमें निकालनी है। पर इस तरीके से आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना होगा, यदि सूचना आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दी हुई है तो।